Hello friends, subscribe my channel Monalisha Borkakoti and press the notifications bell for latest updates ke liye. So please subscribe my channel. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोमवार व्रत कथा के बारे में। बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर इस उपवास को पूर्ण करें। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय की भोजन करनी चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन में तीसरे पहर तक होता है। सोमवार व्रत तीन प्रकार के होते हैं, प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी कभी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वो प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी को पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान लगाने के लिए उसकी मनोकामना पूरी करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वो पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर पर पुत्र का जन्म हुआ। जब वो बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ, मार्ग में यज्ञ करना, जहाँ भी हो यज्ञ कराओ, वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए ही जाना। दोनों मामा भांजे काशी की तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाते हुए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़की को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दो। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़की को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे ये बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी को चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया।
लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वर्णानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने बिलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति का कष्ट को अवश्य दूर करो। जब शिवजी ने मृत बालक के समीप गए तो वो बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया और शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर की ओर चल दिया जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में जाकर उसकी खातिरदारी किया और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी प्राण त्याग कर लेंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। सो दोस्तों, आप लोगों को श्रावण महीना का सोमवार का व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम